नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। अब खबर धौलपुर से। धौलपुर जिले के सैंपू कस्बे के ऐतिहासिक शिव मंदिर पर सावन के तीसरे सोमवार पर सुबह से हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देख ट्रैफिक एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी पहुंच गई। सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं का मंदिर पर आवागमन शुरू हो गया। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग पर श्रद्धालुओं द्वारा भाव एवं आस्था पूर्वक गंगा जल सहस्त्र धारा अर्पित की गई। सावन के दूसरे सोमवार को ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं के हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ पड़ी। आज के दिन हम शिव जी को, भोलेनाथ को दूध चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, पूरा चढ़ाते हैं, जो उनको प्रिय है सारी चीज़ें चढ़ाते हैं। आज के दिन कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखती हैं, सुहागिनें भी व्रत रखती हैं अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो मैं यही मनोकामना करती हूँ कि सब स्त्रियों की और सब लोगों की सारी कामना भोलेनाथ पूरी करें। आपका नाम? मेरा नाम हर्षा। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है। सभी भक्त लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, उन पर बिल पत्र धतूरा और प्रसाद फूल नारियल वगैरह चढ़ा रहे हैं। सभी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आते हैं। श्रावण का जो महीना है उसमें सोमवार का विशेष महत्व होता है। इसमें प्रत्येक सोमवार को भक्तगण शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। यहाँ भी हम सभी चोपड़ा मंदिर पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आज परिवार सहित आए हैं। भगवान से ये प्रार्थना है कि हमारी मनोकामना पूर्ण करे और सभी लोगों का कल्याण करे, ऐसी हमारी मंगल कामना है। जय भोलेनाथ। आपका नाम? मेरा नाम पवन कुमार शर्मा।